नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, हम बातचीत करेंगे आज आपके साथ लेट फॉर्मूले के बारे में। जी हां, एक्सेल की जो लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस 21, उसके अंदर लॉजिकल फॉर्मूले में एक फॉर्मूला आता है लेट का। अब लेट फॉर्मूले का यूज है बताएंगे, ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बेस्ड फॉर्मूला हो गया समझिए, कि हम लोग वेरिएबल जब डिफाइन करते थे डिम इंटीजर लॉन्ग वगैरह, उसी तरह का बना हुआ है। अब जैसे देखा आपने कि मैंने यहाँ पे जो है डेटा है, इस डेटा में से मैंने लिस्ट निकाला हुआ है कि इसमें किस किस के नेम के कितने कितने टोटल्स है। अगर मुझे इसी को निकालना हो तो अभी मैंने यहाँ पे लेट फॉर्मूला यूज किया है। अब यहाँ एक विदाउट लेट भी इस्तेमाल कर सकते थे हम, यहाँ पे यूनिक फॉर्मूला लगाते हैं और यूनिक फॉर्मूले की मदद से इसको सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे तो पूरा लिस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम मैनुअली सेल्स लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे कि इसमें जाओ, इसको सेट करो और इसका टोटल निकाल दो, और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे। ये तो बन गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, कल के डेट में नाम चेंज हो गए। जैसे मान लीजिए मैं एक नया नाम रख दिया उदय, उदय तो है ही, उदय कर दिया। तो यहाँ देखिए कि हमारा जो लेट फॉर्मूला है वो इंक्रीज होके टोटल दे दिया, बट आपका ये वाला नहीं हुआ फॉर्मूला, इंक्रीज यूनिक तो इंक्रीज हो गया बट टोटल नहीं आया। इसको इसी को लाना है, कैसे लाएंगे चलिए हम आपको बताते हैं भाई, ऑटोमेटिक कैसे आएगा। तो मैं डिलीट कर देता हूं, यहाँ पे मैंने सिंपल नेम और सेल्स मैनुअली लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मा लगेगा लेट, मतलब सपोज हम यहाँ पे नाम दे देते यू, चाहे ABCD कुछ भी नाम दे दीजिए, वेरिएबल्स होते हैं। इसके बाद पहला कैलकुलेशन, तो हमने बोला यूनिक निकालना है, कहाँ से यूनिक, और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कॉमा, यूनिक आ जाएगा। अब इसमें मैंने क्या किया कि कैलकुलेशन, दूसरा कैलकुलेशन, तो मुझे दो लिस्ट चाहिए, एक नेम लिस्ट चाहिए, दूसरा सेल्स लिस्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चूज का फॉर्मूला लगाया और 1,2 कर दिया, क्योंकि तो दो फॉर्मूले मुझे इसमें देने हैं, इसलिए हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट में 1,2 कर दिए। पहले मैंने बोला कि तुम यू दे दो, और दूसरे में मैंने बोला कि भाई सम इफ्स लगेगा, सम इफ लगेगा। सम इफ में मैंने बोला क्राइटेरिया मेरा नेम होगा और रेंज क्या होगा क्राइटेरिया, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया। इंडेक्स के फॉर्मूले में बोला कि यू में से सेम रो एंड 1 कॉलम को अलग करो और फिर इसका सम करो। आप एंटर प्रेस कीजिए, यस कीजिए, देखो दोनों आ रहे, सॉरी यहाँ पे नेम तो आ गया बट यहाँ 0 क्यों आया, समिफ इन, अच्छा यहाँ पे हमने कॉमा कर दिया, माफ कीजिएगा। हाँ अब सही है, रिटर्न है। अभी कैसे कर रहा है, इस फॉर्मूले को एबुलेट करते हैं। सबसे पहले इसने लेट फॉर्मूले ने यूनिक से लिया लिस्ट, तो इसको मिल गया पूरा नेम ऑफ द लिस्ट। फिर चूज फॉर्मूले ने क्या किया, तो उसके बाद दो लिस्ट है, एक लिस्ट ही आया यू चला इसने, और दूसरा इसने इंडेक्स को चलाया, और इंडेक्स में उसको जो है हर एक रो के लिए दूसरा एक कॉलम यहाँ मिल गया, और यहाँ पे इसने इसका डेटा शो कर दिया, आपके सामने यहाँ पे शो हुआ। अब इसमें लेट फॉर्मूला ना लगा था तो मुझे ये जो यूनिक फॉर्मूला है मुझे यहाँ भी इस्तेमाल करने पड़ते और यहाँ भी इस्तेमाल करने। तो लेट ने क्या कर दिया कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसके बाद हमने यहाँ इस्तेमाल किया और यहाँ इस्तेमाल किया, बाकी जगहों पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं की थी, यू को कॉल कर लिया। तो इसी के जैसा हम लेट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।